सर यहाँ पे राहुल गांधी जी पहुँचे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के बड़े दो नेता कह सकते हैं, तो क्या संभावित तौर पर अलायंस की शक्ल नजर आएगी? अभी ऐसा कुछ नहीं वकर्सला है, शाम को आज मीटिंग है, हम देखेंगे कौन कौन सी पार्टी मीटिंग करेंगे। खड़गे जी आए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हैं और राहुल जी आए हैं और हमारे प्रेसिडेंट हैं यहाँ, तो सारे जनरल सेक्रेटरी भी आए हैं दिल्ली से। कल तक, कल शाम तक तो नतीजा सारा निकलेगा। कितना इम्पोर्टेंट होगा ये अलायंस? हर चीज बातें इम्पोर्टेंट तो होगा ही, ये लोगों के हित में आए हैं, यहाँ लोगों की बात करने के लिए आए हैं, इम्पोर्टेंट तो होगा ही। राहुल जी जब खुद आएंगे तो जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट तो होगा ही। बताइए राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे हैं, अलायंस का क्या शक्ल आपको लग रहा है? देखिए मैं बार बार बोल चुका हूँ, उनका विजिट अलायंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता। ये प्रोग्राम बहुत पहले से, इलेक्शन डिक्लेयर होने पहले से ये फिक्स हुआ था, सिर्फ इसमें डेट्स भरनी थी और हमारा उसमें प्रोग्राम अपने वर्कर्स के साथ बातचीत करने का था, राहुल जी का और पार्टी प्रेसिडेंट का, सिर्फ डेट्स ही उसमें फाइनल करनी थी, वो फाइनल हो गए और वो आ गए। सर पीडीपी को क्या न्योता गया है? पीडीपी को नहीं, देखिए ये तो वो बातें हैं जो कुछ आपसी डिसीजन होने के बाद के हैं, तो अभी हम उस बारे में कुछ नहीं कह सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल रही है आज शाम को भी? आप तो हमें मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं, तो ऐसी बात अभी हम कुछ नहीं इस बारे में कह सकेंगे, जब हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। अलायंस कितना इम्पोर्टेंट है अगर हो सकता है तो? देखिए उस बारे में भी कांग्रेस का स्टैंड है कि वी आर ओपन टू ऑल फोर्सेस, ऑल पर्संस। जो अभी के जो बीजेपी का जो सारा जो माहौल है, हमारे जितने भी ये लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनके साथ हम बातचीत करने को तैयार हैं। थैंक यू सर।